नमस्कार, स्टेट मेल टीवी पर सभी दर्शकों का स्वागत है। फतेहाबाद के गांव ढांड के पेट्रोल पंप पर तीन नकाबपोश युवकों ने फायरिंग कर 80,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। भट्टूगला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव ढांड के पेट्रोल पंप के सेल्समैन रमेश कुमार ने बताया कि तीन नकाबपोश लोग पेट्रोल पंप पर आए। जब वह बाइक में तेल डालने के लिए उनके पास पहुंचा तो बाइक सवार लोगों ने उसके साथ झगड़ा करते हुए फायरिंग कर दी और बैग में रखे करीब 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा में 15 से 18 साल के किशोरों के कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में विशेष कैंप लगाएगा। सरकार ने 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सरकारी स्कूली बच्चों को कवर करने की योजना बनाई है। इसके लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश के बड़े सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन के लिए खोला जा सकता है।